रेडियो है संजय, वो हमें कोई सूचना दी थी और हमें एक माड़े से नाम की वो थी, दो आईडी बिल्कुल प्रूफ कर रही, एक छोटे से उस पर जान बूझ कर भी वो करे। यह कैंसिल सच में कैंसिल कर रखा, गलत कर रखा कैंसिल, बिना सूचना के कैंसिल कर दिया। यहाँ आए थे आज जब सिंबल लेने तो इन्होंने बताया तो कैंसिल हो रहा, कैंसिल किस बात पर हो रहा, अगर आधार कार्ड से आईडी मैच नहीं कर रही। तो इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं हमें पता करा और वो अब हम आए थे चुनाव चिन्ह लेने और वो उन्होंने कैंसिल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से है, जहां विकास खंड बिनोली के कृषक सेवा सहकारी समिति दोघट में चुनाव के लिए वार्ड नंबर 8 से 3 फॉर्म भरे गए थे। आपको बता दें कि एक फॉर्म गांगनोली गांव के इकबाल सिंह, दूसरा फॉर्म गांगनोली निवासी संजीव राठी और तीसरा फॉर्म मोजिदाबाद नंगल नफे सिंह ने भरा हुआ था, जिसमें गांगनोली निवासी इकबाल सिंह का कहना है कि हम चुनाव चिन्ह लेने गए थे, वहां पर बैठे अधिकारियों ने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि आपका फॉर्म तो कैंसिल कर दिया गया है। इस पर इकबाल के साथ आए समर्थकों का कहना है कि अधिकारियों ने रिश्वत लेकर फॉर्म को रद्द किया है। गांगनोली गांव में काफी लोग वहां पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बागपत से एवरेज 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हम कहना चाहेंगे जो हमारा फार्म था, हम फार्म भर के गए थे, 8 नंबर सीट से 3 फार्म भरे गए थे। सबसे पहला फार्म इकबाल के नाम से था, यानी कि मेरा इकबाल कदम सिंह गांगडोली के नाम से, और इन्हें फार्म दिखा चेक करवा, इन्होंने चेक करा बिल्कुल ओके फार्म है। उसके बाद फिर दोबारा मुझे कह लगे 5 मिनट बैठ जाओ यहीं जी, मैं बैठ गया। 5 मिनट बाद फिर उन्होंने फेर के चेक करा, वो कह लगे ठीक है इब जा सकते हो, हम चले गए। अच्छा फिर कह लगे फोन नंबर लिख दो इस पे, जो कोई बात होगी हम आपको सूचित कर देंगे और आप आ जाइयो। फोन नंबर दे दिया ने, तो इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं हमें पता करा और वो अब हम आए थे चुनाव चिन्ह लेने और वो उन्होंने कैंसिल हो गए। तो क्या वजह बताई जा रही है, वजह ये बताई आगे, पहले तो उन्होंने कहा था जो इसमें लिस्ट में नाम है वोटर लिस्ट में वही नाम लिखियो, फार्म में वही लिखा जाएगा। तो परविंदर का आधार कार्ड में तो परविंदर है, उसमें उपेंद्र है, पविंदर, बस कोई अंतर नहीं, वही फर्क था कि इस पे कर दिया हमने। तो इन्हें कहा भाई एफिडेविट ले लो, 10 रुपए का एफिडेविट लगे, एमएलए वाले पे भी लगे, एमपी वाले पे भी लगे, मंत्री लोग को लगे, जो इस नाम पर तो बहुत फर्क है हर किसी के माड़ा मोटा सा, वो भी इन्होंने नहीं माना और फार्म कैंसिल कर दिया, मानने को तैयार नहीं है। नहीं हम तो ये डीएम को भी वो भी जो कुछ होगा धरना धर के बैठेंगे, हम तो यहाँ से भैया हमारा एफिडेविट लेकर हमारा बहाल कर फार्म, ये तो इन्होंने तो बिके हुए हैं, पैसे लेके वो कर रहे, दबाव में आके कर रहे किसी उस तरह। रेडियो है संजय, वो हमें कोई सूचना दी थी और हमें एक माड़े से नाम की वो थी, दो आईडी बिल्कुल प्रूफ कर रही, एक छोटे से उस पर जान बूझ के भी वो करे। रेडियो है संजय सिंह, और हमें बरगल आ रहा और बका रहा, एक यहाँ चुनाव हुए थे वार्ड नंबर 8 पे 3 फार्म भरे गए थे, जो कैंसिल होने की सूचना मिल रही है या झूठी है? यह कैंसिल सच में कैंसिल कर रखा, गलत कर रखा कैंसिल, बिना सूचना के कैंसिल कर दिया। यहाँ आए थे आज जब सिंबल लेने तो इन्होंने बताया तो कैंसिल हो रहा, कैंसिल किस बात पर हो रहा, अगर आधार कार्ड से आईडी मैच नहीं कर रही, मगर सूचना देते भाई मैच नहीं कर रही, परविंदर है इसमें, परविंदर है सारे रिकॉर्ड में जो कुछ है वो का वही है, लेकिन उसके ना हमें एफिडेविट दे रहे वही है, लेकिन जानबूझ कर नहीं रहा, पैसे ले रखे प्रत्याशी से मिला हुआ है, बिका हुआ है, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा जाए, जो उनसे अधिकारियों का हनन कर रहे। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, अगर किसी के फार्म में कमी है तो उसे सूचना देंगे, कोई सूचना नहीं दे रहा, और हम यहाँ किसान बैठ के धरने पर, या तो कोई सुनने यहाँ अधिकारी आओगा या ऐसा कैंसिल करेगा, हमारा फार्म वैलिड करेगा, इतना यही रहेंगे।